दैववश देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे हुए कौवे ने सुन लिया। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसीलिए जा, तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रह। काकभुशुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है। कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, जिनमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। किंतु उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं अथवा ये सब केवल एक किंवदंती है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। काकभुशुंडी का वर्णन वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास के रामचरितमानस में आता है। सबसे पहला वर्णन इनका तब आता है जब देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया था। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। दैववश देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे हुए कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर काकभुशुंडी के रूप में जन्मा। काकभुशुंडी श्री राम के भक्त थे और उनकी भक्ति के अतिरिक्त उनका और कोई अन्य कार्य न था। वे नित्य वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा में वो आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उसी वृक्ष के निकट रुक गए थे। काकभुशुंडी के मुख से श्री राम की कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वे युगों युगों तक उसी प्रकार राम कथा का वाचन करते रहें। महादेव कुछ दिनों तक उनसे वही राम कथा जो उन्होंने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था सुनकर तृप्त मन से कैलाश को लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभुशुंडी को ही प्राप्त है। इनके जन्म के विषय में एक कथा है कि श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले इनका जन्म अयोध्या में ही एक शूद्र जाति में हुआ था। ये महादेव के अनन्य भक्त थे और उसी भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार ये उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वे ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु भूल कर भी वे नारायण की निंदा नहीं करते थे। उन्हीं के समक्ष एक बार काकभुशुंडी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। श्री हरि की निंदा सुनकर महारुद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा काकभुशुंडी को धिक्कारते हुए कहा कि रे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे ये भी ज्ञात नहीं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसीलिए जा, तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रहा। महादेव का रौद्र रूप देखकर काकभुशुंडी कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगे। तब ब्राह्मण ने भी द्रवित होकर महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि मेरा श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, इसीलिए निश्चित ही इसे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु का जो कष्ट होता है वह इसे नहीं होगा, साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होगा। अपने अंतिम जन्म में इसे श्रीराम के अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। महादेव के वचन अनुसार काकभुशुंडी का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। उसके बाद वे जिस भी योनि में जन्मते उन्हें बिना कष्ट मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूर्ण स्मरण रहता था। इसी प्रकार वे एक के बाद एक जन्म लेते रहे और 1000वें जन्म में वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे। उस जन्म में वे आत्मज्ञान लेने महर्षि लोमश के पास पहुंचे। जब महर्षि लोमश उन्हें ज्ञान की बातें बताने लगे तो वे बात बात पर उन्हें टोकने लगे। इससे रुष्ट होकर लोमश ऋषि ने कहा कि रे मूर्ख, तू क्या कौवे की भांति बात बात पर कांव कांव करता है, तू तो मनुष्य होने के योग्य ही नहीं है, इसीलिए जा, तू कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके श्राप से काकभुशुंडी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमश ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। तब काग रूपी काकभुशुंडी ने कहा कि हे मुनिवर, आप कृपया दुखी ना हो, आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है, मुझे विश्वास है कि इस काग रूप में भी मेरा भला ही होगा। यह कहकर काकभुशुंडी ने महर्षि लोमश को राम कथा सुनाई। उनका ऐसा संयम देखकर और श्रेष्ठ राम कथा सुनकर महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया।
साथ ही साथ उन्होंने उन्हें राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काग रूप से प्रेम हो गया और वे उसी रूप में नित्य राम कथा का वाचन करने लगे। उनके द्वारा कहे गए रामायण को कागभुशुंडी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। कागभुशुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक हैं। कहा जाता है कि कागभुशुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, जिनमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब नारायण के वाहन गरुड़ को श्रीराम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। ये वर्णन तब का आता है जब श्रीराम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया और उनके नेतृत्व में वानरों और ऋक्षों की सेना ने रावण के कई महारथियों का वध कर दिया। यहाँ तक कि कुंभकर्ण भी श्रीराम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। तब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने की ठानी, पर उसके पुत्र मेघनाद ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि जब तक वो है तब तक उन्हें राजा होते हुए युद्ध में नहीं जाना चाहिए। मेघनाद महान वीर था और उसकी गिनती एकमात्र अति महारथी में की जाती थी। संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जिसका उसे ज्ञान नहीं था, और उसके भी ऊपर वो तीनों महास्त्रों अर्थात ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र का ज्ञाता था। अपने पिता की आज्ञा लेकर वो युद्ध को गया और तब माया युद्ध कर उसने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों भाई अचेत हो गए और समस्त सेना चिंतित हो गई। तब जामवंत ने बताया कि इस संसार में कोई और इस पाश से उनकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि उन्हें कोई बचा सकता है तो वे केवल भगवान श्रीहरि के वाहन गरुड़ हैं। यह सुनकर महाबली हनुमान पवन वेग से उड़कर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचे और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना की। जब गरुड़ ने यह सुना कि श्रीराम और लक्ष्मण अचेत हैं, तो वे तुरंत हनुमान के साथ चल दिए। गरुड़ ने अब तक श्रीराम के बारे में सिर्फ सुना ही था और उनके आराध्य भगवान विष्णु ने उन्हें यह बताया था कि श्रीराम उन्हीं के अंश हैं। तब से ही गरुड़ के मन में श्रीराम के दर्शनों की इच्छा थी। जब वे रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को एक साधारण मानव की भांति नागपाश में बंधे हुए देखा। वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है वो कैसे एक साधारण नागपाश में बंधे पड़े हैं। उन्होंने तत्काल नागपाश को काटकर उन दोनों भाइयों की प्राण रक्षा की। जब दोनों सचेत हुए तो श्रीराम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हे महाबली पक्षीराज, आपने हम दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की है, इसी कारण मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, किंतु आपने मेरे अनुज के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। विष्णु अवतार श्रीराम को इस प्रकार बोलता देखकर गरुड़ को पुनः आश्चर्य हुआ। वो अपनी शंका का समाधान श्रीराम से ही करना चाहते थे, किंतु उन्होंने संकोच के मारे कुछ कहा नहीं और उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गए। किंतु उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सचमुच श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार हैं अथवा ये सब केवल एक किंवदंती है। वे अपनी शंका लेकर सबसे पहले देवर्षि नारद के पास पहुंचे, किंतु उन्होंने गरुड़ को परमपिता ब्रह्मा के पास जाने की सलाह दी। जब वे ब्रह्मदेव के पास अपनी शंका लेकर पहुंचे तो उन्होंने हंसकर उन्हें महादेव के पास भेज दिया। अब वे महादेव के पास पहुंचे और भगवान शिव ने उनसे उनकी शंका पूछी। तब उन्होंने कहा कि हे महादेव, आज जो मैंने देखा है उससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि श्रीराम क्या वास्तव में मेरे प्रभु नारायण के ही अवतार है। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ऐसा क्या देख लिया तुमने। तब गरुड़ ने कहा कि प्रभु, मैंने देखा कि श्रीराम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। हे महादेव, लक्ष्मण तो स्वयं शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, तो वे किस प्रकार एक तुच्छ नागपाश में बंध सकते हैं? और तो और, उनके स्वामी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्रीराम भी उसी नागपाश में बंधकर अचेत पड़े थे। जिनके केवल संकल्प मात्र से सृष्टि का आरंभ और अंत हो सकता है, उस भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्रीराम को मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसी कारण मैं संदेह में पड़ गया हूँ, अतः कृपा कर मेरे संदेह को दूर करें। तब महादेव ने पूछा कि ब्रह्मदेव ने इस विषय में क्या कहा। इस पर गरुड़ ने कहा कि प्रभु, परम पिता ने कुछ कहा नहीं, अपितु हंसकर मुझे आपके पास भेज दिया। तब महादेव ने कहा, वत्स, उन्होंने कोई उत्तर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि यह उत्तर देने योग्य प्रश्न ही नहीं। राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। तुम्हारी शंका का समाधान मैं कर सकता हूँ, किंतु मेरी इच्छा है कि तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त कागभुशुंडी से मिलो, वो निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण करेगा। यह सुनकर गरुड़ पुनः पृथ्वी पर कागभुशुंडी के समक्ष पहुंचे, जो एक वृक्ष के नीचे राम कथा कह रहे थे।
दूर दूर से आए विद्वान और महर्षि तल्लीन होकर उनकी कथा सुन रहे थे। गरुड़ भी वहीं प्रतीक्षा करने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो काक भुशुंडी ने गरुड़ को देखा और उनका स्वागत करते हुए कहा कि कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के सेवक महाबली गरुड़ मेरी कुटिया में आए हैं। आप तो हमारे राजा हैं, अतः कहिए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब गरुड़ ने उन्हें अपना संदेह बताया, जिसे सुनकर काक भुशुंडी ने कहा, पक्षीराज सावधान होकर सुनिए, मैं आपको श्री राम का वो रहस्य बताता हूँ जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को बताया था और मैंने उस ज्ञान को सुना था। श्री राम निसंदेह श्री हरि के ही अंश रूप हैं। लंकापति रावण, जिसके अत्याचारों के भार से पृथ्वी त्रस्त है, उसी के वध के लिए नारायण सातवें अवतार के रूप में श्री राम के रूप में जन्मे हैं। वास्तव में रावण की मृत्यु नारायण के अवतार के द्वारा ही संभव थी, इसी कारण श्री राम का आगमन हुआ। यह सत्य है कि श्री राम भी भगवान विष्णु की भांति केवल संकल्प मात्र से रावण का विनाश कर सकते हैं, किंतु वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं, इसीलिए वे पृथ्वी पर एक आम मानव की भांति हर गुणों और अवगुणों से युक्त हैं। यही कारण है कि श्री राम भगवान विष्णु के अन्य अवतारों से अलग मनुष्यों के सर्वाधिक निकट हैं और उनके लिए एक आदर्श हैं। आपको जैसी शंका हुई है, ऐसी ही शंका मुझे श्री राम के बालपन में हो गई थी। उसी के निवारण के लिए मैं बाल रूपी श्री राम के रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ गया। तब श्री राम ने मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। मैं उस रोटी के टुकड़े को लेकर तीनों लोक दौड़ता रहा, किंतु श्री राम ने अपने हाथ का ऐसा विस्तार किया कि मैं कहीं भी उससे पीछा ना छुड़ा सका। तब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। अतः हे पक्षीराज गरुड़, जो आपने उन्हें युद्ध में अचेत पड़ा हुआ देखा, उसे उन्हीं की लीला मानिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के त्रिलोक में उन्हें कोई भी मूर्छित नहीं कर सकता। और जहाँ तक लक्ष्मण की बात है, तो वो भी निश्चय ही शेष के अवतार हैं, किंतु वे भगवान विष्णु के भक्त हैं और मानव रूप में वे भी अपने प्रभु श्री राम का ही अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम का रहस्य जानकर और काक भुशुंडी द्वारा अनेक प्रकार से समझाए जाने पर गरुड़ का भ्रम दूर हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।